लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोकार्पण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सड़कों का ही विकास होता है। जनपद में कुल 290 सड़कें जिनकी लंबाई 440 किलोमीटर है, 35 करोड़ की लागत से सभी सड़कों का नवीनीकरण कराया जा रहा है और ये कार्य जून 2019 तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5634 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है और उनकी चाबी आज लाभार्थियों को सौंपी जा रही है। गठबंधन में चल रहे तनाव के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हो चुकी है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है आपके ही पार्टी में टूटकर सांसद द्वारा एक नई पार्टी बना ली गई है। मैडम, दूसरा ये आपने कहा था कि 28 के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, मन मुटाव जो पार्टियों में आपके तरफ से और भाजपा की तरफ से चल रहा था, क्या क्या निकला उसमें अभी तक? हमारी 27 को बैठक हो चुकी है, 27 को हमारी बैठक हो चुकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी से हमारी बैठक हो चुकी है। अपना दल में दो गुट हो गया है, अभी कौन सा गुट आ गया पता नहीं, अभी समय आने पर सब पता चल जाएगा। अपना दल क्या इतना, अभी इतना बड़ा देश है, कोई भी पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी नई पार्टी रजिस्टर करा सकता है। मेरी पार्टी एक ही है, मेरे पास है, मेरे साथ चलती है। कोई विधायक नहीं आया, लगभग 2 महीने हो गए, ये आप मेरे से क्यों पूछते हो, आप विधायकों से पूछो ना, ये सरकारी कार्यक्रम है, क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम है, विधायक क्यों नहीं आ रहे हैं? विधायक बताए, जनता के काम से मतलब है तो आए, मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं आ रही हूँ ना, मेरा काम है आना, मैं आ रही हूँ। विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सड़क मार्ग का विकास ही होता है और आज PWD विभाग के द्वारा जो यहाँ पर शिलान्यास किया गया है उसमें हमारे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों की 290 सड़कें हैं जिनकी लंबाई 440 किलोमीटर है और 35 करोड़ की लागत से इन सभी सड़कों का नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है और जून 2019 तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय वर्ष के 5634 लाभार्थी हैं जिनके आवास पूर्ण करा लिए गए हैं और आज उनको उनकी चाबी सौंपी जा रही है। और इसके अतिरिक्त हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग कल्याण मंत्रालय द्वारा यहाँ पर 13 लाभार्थी आए हुए हैं जिनकी दिव्यांगता 50% से लेकर 100% तक है, उन सभी को निःशुल्क ट्राई साइकिल प्रदान